नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के आईपीओ के बारे में जो इस वीक में आ रही है। और इस वीक में तीन आईपीओ आ रहे हैं जिसमें डिलीवरी आईपीओ सबसे बड़ी है इश्यू साइज के मामले में। डिलीवरी क्या है? डिलीवरी एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक स्टार्टअप है जो कि पिछले 11 साल से ऑपरेशंस में है और ये फिलहाल भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्टार्टअप मानी जा रही है। आइए जानते हैं इस आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल्स। डिलीवरी आईपीओ मई 11, 2022 को खुलेगा और मई 13, 2022 को बंद होने वाला है। बिडिंग डेट जो है वो मई 11, 2022 10 बजे से मई 13, 2022 5 बजे तक खुला रहेगा। द कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन इज 12 PM ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द इश्यू क्लोजिंग डे। और अब बात करते हैं अलॉटमेंट डेट। अलॉटमेंट डेट विल बी मई 19 और इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा मई 20 को होगा और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट विल बी मई 23 और डिलीवरी आईपीओ लिस्ट होगा मई 24 को। डिलीवरी आईपीओ का जो लॉट साइज है वो 30 शेयर्स का होगा, 30 शेयर्स, और एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई अप टू 13 लॉट्स। तो 390 शेयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं और जिसका वैल्यू होगा 1,89,930 रुपीज। अब बात करते हैं इश्यू साइज के बारे में। इश्यू साइज जो है वो 5,235 करोड़ की है जिसमें फ्रेश इश्यू जो है वो 4,000 करोड़ की है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 1,235 करोड़ की है। एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है 25 रुपया पर शेयर है। डिलीवरी आईपीओ का जो शेयर प्राइस रखा गया है वो 462 से 487 के रेंज में रखा गया है। और फंड रेज करके आईपीओ का फंड जो रेज करने वाले हैं डिलीवरी उसको कैसे यूज करेगी? नेट प्रोसीड्स जो मिलेंगे वो फंडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ फंड करने के लिए यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो कि कोई नई कंपनी खरीद सकते हैं, एक्विजिशन या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट या इनिशिएटिव्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे और जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं उसके लिए भी इन्वेस्ट करें, उसके लिए भी ये फंड्स को यूज करेंगे। अब आइए बात करते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में। पिछले जो ये करंट FY22 चल रही है और पिछले 3 साल के बारे में बात करते हैं। ये नंबर जो है रुपीज मिलियन में है। सो FY19 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो 16,948.74 मिलियन रुपीस था जो FY20 में बढ़ के 29,886.29 मिलियन रुपीस था और ये बढ़ के 38,382.91 मिलियन रुपीस था इन FY21। और ये जो 9 महीने खत्म हो चुके हैं FY22 के उसमें ये नंबर बढ़ के हो चुका था 49,144.6 मिलियन रुपीस। अब इसका मतलब ये है 4,911.4 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी अभी भी लॉस में है, बट अगर आप FY19 के बारे में बात करेंगे तब कंपनी 1,783.3 करोड़ का लॉस में चल रहा था जो कि घटके हो गया था 268.9 करोड़ FY20 में और FY21 में बन गया था वो 415.74 करोड़। और अभी जो 9 महीना चल रहा है उसमें लॉस का अमाउंट था 891.14 करोड़। तो कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है बट कंपनी ने ऐसा कहा है कि ये लॉस इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि वो नए अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं एंड स्लोली दे वेरी क्लोज टू कट द कॉर्नर्स, मतलब वो प्रॉफिटेबल होने वाले हैं जिस तरीके से वो स्केल अप कर रहे हैं और जिस तरीके से वो लॉसेस रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंपनी का कहना है। अब हम बात करेंगे डिलीवरी करती क्या है, उसके बिजनेस के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं। तो डिलीवरी जो है पूरी फुल रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेस देती है इंक्लूडिंग एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी, हेवी गुड्स डिलीवरी और PTL फ्रेट, TL फ्रेट, वेयरहाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस फ्रेट सर्विसेज एंड सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर।
कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देती है, जैसे कि ई कॉमर्स रिटर्न सर्विसेज, पेमेंट कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली सर्विसेज एंड फ्रॉड डिटेक्शन. Delhivery is the largest and fastest growing fully integrated logistics service player in India by revenue as of FY21. The company has proprietary technology system जो कि उसको integrated logistics services player बनाने में मदद करती है, और इनके बहुत wide variety of customers भी हैं. इसका जो technology stack है उसमें लगभग 80 applications है हर तरह के supply chain processes के लिए. Company ने एक पूरे देश में network बनाया है और ये 17,045 पिन कोड्स को सर्विस करते हैं, जो कि 88.3% ऑफ द टोटल पिन कोड्स अवेलेबल इन इंडिया. भारत में पूरे के पूरे 19,300 पिन कोड्स हैं, उसमें से 17,045 पिन कोड्स पहुंच चुका है Delhivery. उस तरीके से इनका काफी मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में इन्होंने बहुत बड़ा स्केल अप किया है. खाली लॉसेस अभी दिख रहे हैं, बट स्केल अप इज मैसिव. सो that's why they have become the number one integrated logistics players. और इनका जो है 164 network infrastructure है across India, जिसमें से 124 gateways हैं, 20 automated sorting centers हैं, 83 fulfillment centers हैं, 35 collection set points हैं और 24 returns processing centers हैं. और उसके अलावा 249 service centers हैं, 120 intermediate processing centers हैं और 2,235 डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर्स हैं. ये डेटा जो है June 30, 2021 का डेटा है. द कंपनी का इंजीनियरिंग डेटा साइंस और प्रोडक्ट टीम जो कि उनका कोर है वो 474 प्रोफेशनल्स का है, और टोटल कस्टमर जो एक्टिव कस्टमर बेस है कंपनी का वो 21,342 का है अक्रॉस ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ स्टाइल, FMCG, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ऑटोमेटिव, हेल्थ केयर और रिटेल इंडस्ट्रीज. अब कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे. वो हम बात कर चुके हैं कई बार, रैपिड ग्रोथ है, स्केल अप कर चुके हैं, सिनर्जीज अच्छे से बना चुके हैं, और प्रोप्राइटरी लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी भी है उनका, डेटा इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज हैं, और इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज का है, और ये एसेट लाइट बिजनेस करते हैं. बहुत सारा थर्ड पार्टी कनेक्शन है इनका, जिससे एसेट लाइट फंक्शन कर पाते हैं और जल्दी स्केल अप कर सकते हैं, और जल्दी स्केल डाउन भी करना चाहे तो कर सकते हैं. और एक एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योरियल टीम है फ्रॉम डिफरेंट डिवर्स बैकग्राउंड्स. अब हम बात करेंगे इशू का टाइप, कैसे इशू, किस तरीके का आईपीओ है ये बुक बिल्डिंग इशू है, बुक बिल्ड इशू आईपीओ इशू है. और लिस्टिंग जो है वो BSE NSE दोनों में होने वाला है, और QIB शेयर्स जो हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडिंग है, वो 75% ऑफ द नेट ऑफर है, और रिटेल के लिए सिर्फ 10% है नेट ऑफर का. HNI सेगमेंट के लिए 15% ये ऑफर है. और जो कि हम पहले बोल चुके हैं बट फिर से दोहरा रहे हैं, एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई अप टू 13 लॉट्स. एक लॉट जो है वो 30 शेयर्स का है, जो कि जिसका अमाउंट है 14,610 रुपया, और मैक्सिमम जो है 13 लॉट कर सकता है. इसका मतलब 390 शेयर्स आएंगे जिसमें, और जिसका वैल्यू होगा ₹189,930. अब आईपीओ के रिव्यू में हम रिव्यू नहीं दे रहे हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया है, अगर उसको हम एनालाइज करें, जो we are only quoting what the industry analysts are talking. They are saying ki halanki loss hai, continued loss hai company ka, but company ne kafi jaldi scale up kiya hai, aur but fir bhi inka p jo hai wo negative chal raha hai. Agar aap competitors ka p le lijiye, bahut sare companies hai wo they are trading at very high p multiples. तो ये एक नजरिया है, और उसके साथ ये है कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, जो कि FY19 में ये -11.35% था, और अब अगर FY22 नाइन मंथ्स तक देखेंगे तो 0.72% है, एंड दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दे आर ऑन द वर्ज ऑफ टर्निंग कॉर्नर इन द नियर टर्म. अगर ये बोला जाए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आईपीओ इज प्राइस्ड वेरी एग्रेसिवली कंसीडरिंग इट्स ग्रोथ प्लान्स एंड ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स अहेड, तो ये हाई रिस्क हाई यील्ड बेट है.
तो हम नहीं बोल रहे हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप डिफरेंट लोगों का रिकमेंडेशन देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो है इसको बहुत ही हाई रिस्क हाई यील्ड बेट ही बोल रहे हैं। हम दो आईपीओ और आ रहे हैं इस वीक में, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक है प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज, दूसरा है वीनस पाइप्स, जिसके बारे में हम अगले कुछ घंटों में वीडियोस बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे उसके बारे में। धन्यवाद।